एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि लगातार जो है पीडी डेली वेजर्स जो है रेगुलराइज की मांग कर रहे हैं और कई हादसे जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण जो है इनके परिवार पर जो है एक आर्थिक बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में राजौरी का एक इंसिडेंट है और उससे पहले पुंछ का इंसिडेंट जो है वो भी सामने, और इसके अलावा कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसपे जो है इनके परिवार वालों ने जो है जान खो दी है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं आज डेली वेजर से, जिस तरह से इस वक्त जो है मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। आज हम जहां सारे इकट्ठे हुए, हमारे 18 डिवीजनों में हर एक जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथी जो हर दिन हर रोज एक एक साथी हमारा मर रहा है, उसके लिए आज हम जहां सारे इकट्ठे हुए हैं चीफ ऑफिस में। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर सरहद पे आर्मी वाला कोई शहीद हो जाए तो उसके लिए 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, उसकी फैमिली को सर्विस दी जाती है। और हम लोग मेहनत कश लोग डेली वेजर 24 घंटे काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, बदले में हमें मौत दी जाती है। मौत के बदले और कुछ नहीं मिलता। जब हम मर जाते हैं, जहां हमारी बाजू कट जाती है, टांग कट जाती है, तो तभी भी हमें कुछ नहीं मिलता। कुछ जो साथी मर जाते हैं उनकी फैमिली जो दर दर की ठोकरें खाने के लिए पीछे बच्चे छोड़ जाते हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चे, उनकी वाइफ, बच्चे, माता पिता, और वो दफ्तरों के चक्कर ही काटते रहते हैं, लेकिन कोई भी उनको SRO 43 के तहत कोई जवाब नहीं दी जाती। हम LG साहब को ये कहना चाहते हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी MD साहब को, चीफ साहब को, कि कम से कम 43 SRO 43 के साथ उनकी उनको तहत उनको नौकरी दी जाए, क्योंकि जब वो मर जाता मात्र एक सहारा वही होता है जो 9600 हमें तनख्वाह मिलती है, वही 9600 से अपने परिवार का गुजारा करता है जब वो मर जाता है। बल्कि नौकरी तो कहीं दूर की बात है, जो 9600 रुपया मिलता है वो ही तुरंत बंद किया जाता है। और छोटे छोटे बच्चे जब रह जाते हैं तो जिस तन लागे वही तन जाने कि क्या होता है क्या नहीं। आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी होना है। ऐसे बहुत सारे साथी हमारे जो अपनी जान गंवा चुके हैं, वो चले गए हैं, लेकिन अब आपके माध्यम से हम इनको कहना चाहते हैं, सरकार को भी और LG साहब को भी, और अपने डिपार्टमेंट के, जिस डिपार्टमेंट के छत के नीचे हम खड़े हैं, जिस डिपार्टमेंट की थाली में हम खाते हैं, एक ही परिवार के हैं, लेकिन हमारे परिवार के सदस्य सिर्फ काम लेना जानते हैं। आज हमारे ऑफिसर चाहे JEE साहबान हो, चाहे AEE हो, कोई भी बाहर नहीं निकलता, सिर्फ जब भी मरता है डेली वेजर ही मरता है, और सफर करती है तो डेली वेजर की फैमिली ही सफर करती है। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, जिस तरह से डेली वेजर को पोल पर चढ़ने से ये हादसा हुआ, क्या तालमेल नहीं था? वहां पर करंट कैसे आई? क्या वहां पर जो अधिकारी थे या जो अन्य सदस्य थे उनको नहीं मालूम था कि आपका एक व्यक्ति जो है वो पोल पर चढ़ा है? सर, जब हमारा साथी कोई काम करता है, जैसे फोन पे कई बार कहते हैं फोन पे शेड्यूल लिया है, साथी वो तो काम कर रहा है, मेहनत कश है, वो तो अपना काम करेगा, क्योंकि उसको टॉर्चर किया जाता है। बाद में उसको ऑफिसर ये भी कहते हैं हम तुझे बाहर निकाल देंगे, उसको ये भी होता है कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे, अब मैं कहाँ जाऊँगा, अगर डिपार्टमेंट से बाहर निकल गया तो मैं क्या करूँगा। बल्कि जब वो पोल पर चढ़ता है तो कहीं से भी पावर आ सकती है ये सर, क्योंकि एक एक जगह पे शिफ्ट भी होती है, दो दो तीन तीन फीटर चलते हैं एक ही नाम के, जैसे 8 नंबर फीटर है तो 2 फीटर होंगे, कोई नानक नगर से चल रहा है, कोई शास्त्री नगर से चल रहा है, तो उसकी टाइपिंग ही कई बार लग जाती है। ऐसे ही यहाँ हमारे जो साथी हैं, ये जब पोल पर चढ़े, जैसे उनको कहा था कि आप पोल पर चढ़ो और शेड्यूल लिया हुआ है, जैसे ही वो तुरंत पोल पर चढ़ता है तुरंत पीछे से पावर आती है, वो मर जाता है। अब क्या डिमांड करना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि SRO 43 के साथ इनकी फैमिली को एक को जॉब दी जाए परमानेंट। कई डेली वेजर्स जो हैं हादसों का शिकार हो जाते हैं, SRO 43 के तहत जो है ये इंसाफ मांग रहे हैं, इनके परिवार वालों के लिए जो है जॉब मांग रहे हैं, और साथ ही साथ में जो है डेली वेजर्स जो है अपने लिए परमानेंट होने के लिए भी जो है लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इनकी मांगों की तरफ जो है गौर नहीं किया गया। हादसा क्यों होता है ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसके बीच जांच होनी चाहिए। क्या तालमेल नहीं है या नेग्लिजेंस है, किसकी गलती है, उसकी भी जो है विभाग को, प्रशासन को जांच करवानी चाहिए, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके और जो लोग इन दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं उनके परिवार वालों को जस्टिस देना चाहिए। SRO 43 की मांग की जा रही है, मांग जेन्युइन है और सरकार को इनकी मांग की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहे एक्सेलसियर न्यूज।